गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बाबू, हम लोग उस दिन व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड मात्रक का मतलब डिराइव्ड भौतिक राशि का हम लोग एस आई मात्रक ज्ञात किए थे, जिसमें हमने निकाला है क्षेत्रफल का, आयतन का, घनत्व का, वेग का और त्वरण का हमने निकाला है। आज हम आगे निकाल रहे हैं। ये कम से कम बेटा आप लोगों को मूल मात्रक जो सात होते हैं, सातों का नाम और उसका एस आई मात्रक याद रखना है। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसका संकेत केजी होता है, लंबाई का मीटर होता है, इसको एम द्वारा सूचित किया जाता है, समय का सेकंड होता है, इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है, ताप का केल्विन होता है, उसको के द्वारा सूचित किया जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, उसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, उसे सी डी द्वारा सूचित किया जाता है, और पदार्थ का परिमाण का मोल होता है, उसको एम ओ एल द्वारा सूचित किया जाता है। ये भौतिकी राशि के एस आई मात्रक और जो भी हम एस आई मात्रक निकालते हैं इसी के संदर्भ में हम निकालते हैं। तो देखिए आगे बल का हम निकाल रहे हैं। तब पहले किसी चीज़ का एस आई मात्रक निकालना होता है डिराइव्ड यूनिट का, उसका पहले सूत्र लिखा जाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आप इसमें मिलाइए, द्रव्यमान का तो मिल रहा है लेकिन त्वरण का आपको मिल नहीं रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्वरण को तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक कि ये सातों मूल मात्रक के रूप में प्राप्त न हो जाए। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। द्रव्यमान तो बेटा मूल मात्रक है, ये है त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय। आपको अब इसमें क्या चीज है, द्रव्यमान और समय तो मिल गया लेकिन वेग नहीं मिला। अब वेग पर हम सोचेंगे, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, और एक समय इन लोगों से क्या है, नीचे है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें द्रव्यमान मिल रहा है, समय मिल रहा है लेकिन विस्थापन हमको नहीं मिल रहा है। जब हमको विस्थापन नहीं मिल रहा है जब हमको विस्थापन नहीं मिल रहा है तो हम विस्थापन पर सवाल करेंगे और विस्थापन के पास हम पहुंचेंगे कि विस्थापन का मकसद क्या होता है। तब विस्थापन पर हम सवाल करेंगे तो विस्थापन क्या है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, और दूरी को भी हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तब विस्थापन नापना हो तो हमें किसी फीता की जरूरत होगी। विस्थापन किसको व्यक्त करता है, लंबाई को व्यक्त करता है। तो इसलिए कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे
लंबाई तो हो गया, आईएस समय नीचे आएगा, क्योंकि यस जो समय है ये हर के रूप में है, कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, समय गुणे समय हो जाएगा। अब मिलाइए सारे के सारे चीज, इस सारणी में मिला द्रव्यमान मिल रहा है, लंबाई मिल रहा है और समय मिल रहा है। अब हमको मूल मात्रक निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक निकालने में हमको कोई परेशानी नहीं होगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम को हम रख लेंगे और नीचे क्या है, सेकंड गुणे सेकंड किलोग्राम, और ये क्या है, मीटर है। एक किलोग्राम तो हो गया, लंबाई का कितना हो गया मीटर, और सेकंड गुणे कितना हो गया सेकंड, किलोग्राम मीटर तो हो गया, अब बटा में कितना हो गया सेकंड स्क्वायर। तब हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन बल का मात्रक बेटा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन न्यूटन कैसे होता है, चूंकि एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक न्यूटन होता है। क्या होता है, एक न्यूटन होता है। क्या होता है, एक न्यूटन। जो इतना भौतिक राशि होगा, पहले आपको केवल न्यूटन याद था कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन असली मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसी को हम न्यूटन के नाम से जानते हैं, न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए रखा गया कि न्यूटन साहब एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बल और गति के बारे में बहुत काफ़ी अध्ययन किया था, उनके सम्मान में इसका एसआई मात्रक न्यूटन के रूप में रखा गया। अतः बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब इसका बल का सीजिस, क्योंकि बल एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बल का सीजिस मात्रक हम निकालेंगे। बल का सीजिस मात्रक हम कैसे निकालेंगे, अब इसको देखिए, इसको निकालना है हमको। तब पहले सीजिस पत्ती को हम अवलोकन कर लें, इसको रफ में देखिए, रफ को समझिए, CGS सिस्टम, C का मतलब होता है सेंटीमीटर और G का मतलब होता है चार गो यूनिट जो पढ़ाए हैं उसमें। देखिए CGS सिस्टम का मतलब, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। इसको इस द्वारा निकालते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर इसको लिखते हैं, ग्राम को पूरा भी लिख सकते हैं जी, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड को एस रखेंगे।
चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, सीएम ग्राम भी लिख सकते हैं और सेकंड, चाहे जी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन आपको नहीं है। तो चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इतना भी लिख सकते हैं। तो सीजीएस में किलोग्राम के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ग्राम काली लिख दीजिए, और मीटर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, केवल ग्राम भी लिख सकते हैं, केवल क्या लिख सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि एक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर क्या कहा गया है, एक सीजीएस सिस्टम में क्या लिखेंगे, इसलिए सीजीएस एक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर हो गया, यह होता है एक डाइन के बराबर होता है, क्या होता है, एक डाइन, और डाइन को क्या लिखा जाता है, डी लिखा जाता है, डाइन को क्या लिखा जाता है, डी लिखा जाता है, अतः सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, बल का मात्रक डाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक डाइन होता है। अब देखिए, तो सातवां निकालिए कार्ज, चूंकि कार्ज बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन, कार्ज बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। देखो बाबू, बल तो लंबाई को द्योतक है, नहीं बल तो बल नहीं मिल रहा है इसमें, अब विस्थापन किसका काम है, लंबाई का, तो बल को बदल दीजिए, कार्य बराबर बल बराबर कितना हो गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब विस्थापन का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है, क्योंकि यह नापने वाला चीज है, कोई भी चीज को नापते हैं लंबाई से, विस्थापन क्या है, किसी निश्चित दिशा में
तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब इसमें द्रव्यमान तो बेटा मिल रहा है, लंबाई भी मिल रहा है, लेकिन त्वरण हमको नहीं मिल रहा है, उसको आगे की तरफ जाएंगे। कार्य बराबर कितना हो जाएगा? द्रव्यमान त्वरण बराबर कितना हो गया? वेग बटा में समय गुणे कितना हो गया? इसमें द्रव्यमान लंबाई मिल रहा है लेकिन वेग हमको नहीं मिल रहा है। फिर बेटा वेग को चेंज कीजिए, वेग को चेंज करेंगे तो कितना होगा? कार्य बराबर द्रव्यमान वेग बराबर कितना होता है? विस्थापन बटा में समय, इसको होल्ड में कितना हो जाएगा? समय और गुणे कितना हो जाएगा? लंबाई। यह समय कहाँ आ जाएगा? नीचे आएगा। और विस्थापन किसकी बात है? लंबाई की बात है। कार्य बराबर द्रव्यमान गुणे ऊपर विस्थापन किसका परिमाण है? लंबाई का। और ये समय गुणे कितना हो जाएगा? समय गुणे गुणे कितना है? लंबाई है। अब हम क्या करेंगे? ये सब देखो मूल मात्रक में हो गया, द्रव्यमान लंबाई और समय, तीन को मिल गया। ये सारे के सारे किसमें हम चेंज कर दिए हैं? मूल मात्रा के रूप में चेंज कर दिए हैं। और हमको निकालने में बेटा कोई परेशानी अब नहीं है, क्योंकि कोई भी व्युत्पन्न मात्रक किसका रूप है? मूल मात्रक। कहने का मतलब जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। ये सारा के सारा हम निकाल दिया जाएगा तो कितना होगा? इसलिए कार्य का इसको हम आगे थोड़ा सा सीजीएस सिस्टम दूसरे तरीके से हम निकालेंगे। क्या करेंगे? दूसरे तरीके से हम निकालेंगे कार्य का। इसको इसलिए समीकरण वन ले लिए। क्या लिए? समीकरण वन ले लिए कि आगे हमको कुछ काम करेगा जब सीजीएस पत्ति का मात्रक निकालेंगे तब। ये द्रव्यमान का कितना हो गया? देखो तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम। लंबाई का कितना हो गया? मीटर हो गया। समय का सेकंड गुणे सेकंड, और लंबाई का कितना हो गया? मीटर हो गया। कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसलिए कार्य का ऐसा ही मात्रक बराबर कितना हो गया? किलोग्राम मीटर, और मीटर में गुणा करेंगे तो कितना होगा? ऊपर मीटर स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का असली मात्रक जो हकदार है वह क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन कार्य का एसआई मात्रक बचपन में ही एक आपको याद है कि जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ये भी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। जूल नामक वैज्ञानिक ने कार्य प्रणाली, किसी भी फंक्शन में जो कार्य किया जाता है उनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। इसलिए सम्मान में, जूल साहब के सम्मान में कार्य का एसआई मात्रक जूल बनाया गया है। तो चूंकि एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर एक जूल होता है, क्या होता है? एक जूल। इसको एक जूल के नाम से जानते हैं। अतः कार्य का
कार्य का एसआई मात्रक कितना होता है? जूल होता है। अतः कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इसमें कोई आपको दिक्कत तौर पर जगह जगह पर हमने क्या किया है, इसको टोटल का हमने तोड़ दिया है। अब कार्य का बेटा एसआई मात्रक थोड़ा समझिए, तो एसआई तो निकालिए, कार्य का सीजीएस मात्रक समझिए। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक हम कैसे निकालते हैं? समीकरण वन से कार्य बराबर कितना है? द्रव्यमान गुणे लंबाई बटा में समय गुणे कितना है? हाँ, गुणे कितना होता है? लंबाई होता है। अब यहाँ फिर समझिए, सीजीएस सिस्टम के बारे में समझिए। तो थोड़ा सीजीएस सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, सी का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या हो गया, ग्राम, आईएस का मतलब क्या हो गया, सेकंड। और सेंटीमीटर को किस द्वारा सूचित करते हैं? सीएम द्वारा। ग्राम को छोटा जी कर दीजिए। और सेकंड को किस द्वारा सूचित किया जाता है? एस द्वारा सूचित किया जाता है। किस द्वारा सूचित किया जाता है? एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए कार्य का सीजीएस मात्रक बराबर एक ग्राम हो गया बेटा, लंबाई का सेंटीमीटर हो गया, समय का सेकंड गुणे सेकंड, लंबाई का कितना हो गया, सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत? अपने जगह पर ही रफ है, वो पीछे पढ़ा चुके हैं बाबू। क्या है पीछे? हम इसको वर्णन सीजीएस पद्धति में देखिएगा, जो मात्रकों की पद्धतियां पढ़े हैं उसमें सीजीएस सिस्टम है। तो कितना हो गया? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चूंकि एक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है? एक अर्ग क्या होता है? अर्ग को पूरा लिखते हैं, उसका कोई सिंबल डी चाहे ई नहीं होता है। क्या होता है? ई आर जी होता है, अर्ग।
एस आता है कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग कार्य का सीजीएस मात्रक कितना होता है अर्ग होता है। इसमें कोई दिक्कत उकत आपको एकदम नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी ये दोनों कार्य और बल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसको जानना आपको क्या था जरूरी था। आठ पर आइए दाब, दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, इसलिए दाब का एसआई मात्रा। बल का बेटा कितना होता है न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रा कितना होता है न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का सबसे पहले क्षेत्रफल बताए हैं, क्षेत्रफल का कितना होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर, इसको लिख सकते हो सीजीएस में, लिख सकते हो, लिख तो सीजीएस। दाब का सीजीएस मात्रक कितना होता है, दाब का सीजीएस मात्रक हो जाएगा, यहाँ जो बल लिखे हो बल का कितना हो जाएगा सीजीएस में, बल का डाइन हो जाएगा, और क्षेत्रफल का कितना होगा सेंटीमीटर, मीटर के जगह पर कितना रख दो सेंटीमीटर, और डाइन का क्या लिख दो डी बटा में सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका नाम कितना हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नौ देखो, संवेग, बराबर कितना होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसलिए संवेग का एसआई मात्रक द्रव्यमान का कितना हो जाएगा एसआई मात्रक। देखो द्रव्यमान का कितना है किलोग्राम है, अब वेग का कितना होता है मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इसके कितना हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर
इसको भी एस सी जी एस में लिख सकते हो। संवेग का सी जी एस मात्रक किलोग्राम का क्या लिखते हैं सी में, सी जी एस में ग्राम लिखते हैं, मीटर का क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, और सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं, इसको हम क्या लिखते हैं ग्राम ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति, जहाँ पर भी माइनस आए, जहाँ पर भी माइनस हो आए उसके पहले क्या लिख देना है प्रति लिख देना है। दस, दस में देखिए क्या है आवृत्ति का नाम सुना होगा, आवृत्ति आवृत्ति बराबर क्या होता है एक बटा में आवर्तकाल, क्या होता है एक बटा में आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समय से है, कैसे समय है, कोई वस्तु जब एक चक्कर पूरा लगाती है, कहीं सिस्टम में कोई वस्तु एक चक्कर लगाती है अर्थात वृत्तीय पथ पर घूम जाती है, क्या हो जाती है वृत्तीय पथ पर घूम जाती है, 360 डिग्री से कोण से घूम जाती है, तो उसको एक आवर्त कहते हैं, एक आवर्त, और एक आवर्त में जितना समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं आवर्तकाल। तो क्या करते हैं एक बटा में कितना हो गया समय, इसलिए आवृत्ति का एसआई मात्रक वन बटा में सेकंड, और सेकंड ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा प्रति सेकंड, क्या होगा प्रति, अब तुम सवाल करोगे कि सर तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, क्या होता है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, और ये भी वैज्ञानिक के नाम पर जाता है, चूंकि एक प्रति सेकंड बराबर एक हर्ट्ज, एक क्या होता है एक हर्ट्ज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं वन एच जेड, क्या लिखते हैं वन एच जेड, वन एच जेड, एच जेड द वन हर्ट्ज, यह किसके नाम पर है यह हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के नाम पर है। इस संदर्भ में आवृत्ति और फंक्शन के बारे में उन्होंने बहुत सा प्रयोग किए थे और उनके सम्मान में इस मात्रक का नाम रखा गया है। अतः है अतः आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, अतः आवृत्ति का एसआई मात्रक कितना होता है हर्ट्ज होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए,
11 पर आइए। गुरुत्वाकर्षणीयतांक अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक में ये न्यूटन साहब ने एक नियम दिया था। न्यूटन साहब के हम पहले गुरुत्वाकर्षण नियम को द्वारा जो सूत्र है उसको बेटा हम लिखना पसंद करेंगे 9वां क्लास में। अब भले 11 में आ गए होंगे लेकिन 9वां क्लास में आप गुरुत्वाकर्षण पाठ को जानते होंगे। तो आपको एक छोटा सा हम बात बताते हैं, 11 में जो सिलेबस होता है वह लगभग 9वां से संबंधित रहता है। अब 12 में जो सिलेबस होता है लगभग 10वां से कुछ संबंध रखता है। इसलिए बेटा आप लोग तो घर पर हैं, 9वां क्लास के जो भौतिकी की किताब है थोड़ा सा अपने पास अगर उपलब्ध होगा तो आपको बहुत सहूलियत पहुंचाएगा। गुरुत्वाकर्षण के पाठ में जाकर देखिएगा तो आपको बहुत सहूलियत होगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या सूत्र है, एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा में आर स्क्वायर। यह समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। इतना क्लियर है, जहां जहां एफ बराबर बल, जी बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम वन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, एम टू बराबर भी क्या होता है, द्रव्यमान, आर बराबर क्या होता है, दूरी होता है। क्या होता है, दूरी होता है। इतना तो क्लियर है। अब समीकरण 1 से हम बड़ा जी का मान निकालेंगे, क्या होगा समीकरण, हमको किसका एसआई मात्रक निकालना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हमको एसआई मात्रक निकालना है। और तब हमने सूत्र पहले बेटा तैयार किया है और सूत्र में एफ बल है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम वन द्रव्यमान है, एम टू द्रव्यमान है, आर दूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। यह आकर्षण का बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्यतिकर्मानुपाती होता है। और दोनों नियमों को मिला जब देते हैं बेटा तो ये सूत्र आपको बन जाता है एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा में आर स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 1 हम पुनः लिख रहे हैं, समीकरण 1 से एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा में आर स्क्वायर। कुछ नहीं होता है तो 1 लिख देते हैं। अब तिरछा तिरछी हम उसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा, जी एम वन एम टू बराबर एफ गुणे कितना हो गया आर स्क्वायर। इसलिए जी बराबर कितना हो गया, एफ गुणे आर स्क्वायर बटा में एम वन गुणे कितना हो गया, एम टू हो गया। और जी का मान हम निकालें, इसलिए पहले उसको अभी भी साफ करते जाइए। जी का मान निकल गया,
अब जी का बीमा निकालने में कोई हमको दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनल जी बराबर क्या है, जी बराबर ये क्या हो गया, बल हो गया और गुणे कितना हो गया, दूरी स्क्वायर हो गया, और अब कितना हो गया, द्रव्यमान गुणे कितना हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए जी का एस आई मात्रक बराबर कितना हो जाएगा, बल का न्यूटन हो गया और दूरी का कितना हो गया, बल का न्यूटन हो गया, दूरी का मीटर हो गया, और स्क्वायर है तो कितना है, मीटर स्क्वायर है, क्या है, मीटर स्क्वायर है, और द्रव्यमान का कितना हो गया, किलोग्राम, और यह भी कितना हो गया, किलोग्राम हो गया। इसमें कोई दिक्कत, बल का न्यूटन होता है ऐसा ही मात्रक, दूरी है मीटर, दूरी क्या है, लंबाई है, और द्रव्यमान का किलोग्राम और ये भी किलोग्राम, तो कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना हो गया, किलोग्राम स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम को ऊपर कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा। अतः जी का एस आई मात्रक बराबर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। इसको कैसे बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कोई दिक्कत, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसको सीजीएस में लिखना पसंद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। सीजीएस में थोड़ा हम दिखा देते हैं, सीजीएस मात्रक अगर लिखना है तब न्यूटन का कितना हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, और मीटर का कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका कितना होगा, प्रति ग्राम। तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। इसकी देखो उतना कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको पसंद होता है तो इस तरह लिख सकते हो, क्या लिखे, इस तरह सीजीएस में आप लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत उकत नहीं होगा। तो ज़्यादा मांग किसका है, एस आई पत्ती में ही पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, फिजिक्स एस आई पत्ती में ही पढ़ना है।
अब थोड़ा और देख लिया जाए हल्का फुल्का।